आप देखेंगे तो आपको लगेगा हूबहू राजेश खन्ना कर रहे मनोज कुमार जी कर रहे। और अभी इन्होंने तो एक और ऐड कर दिया है, महमूद साहब को भी ऐड कर दिया है, क्या बात है। देखिए दीपू शर्मा को मैं कई सालों से जानता हूँ, मैंने उनको देखा है किस तरह से वो मेहनत करती आई हैं, किस तरह से उन्होंने अपना एक ग्राफ बनाया है, अपना एक मुकाम बनाया है। इससे पहले भी वो काफ़ी अच्छे डांस करती थी, लेकिन ये इन्होंने एक नया अनोखा कुछ निकाला है जो कि किसी को कभी करते हुए नहीं देखा पहले। तो इसके लिए ही यहाँ पर आए हैं, यही देखने के लिए आए हैं, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है, उनके सब्सक्राइबर भी इतने हो गए। देखिए मनोज जी को तो हमने, मनोज कुमार साहब को हमने अपने बचपन में देखा था काम करते हुए, मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, काफ़ी हमारा मिलना जुलना उनसे होता रहता था। मैं तो ये भी चाह रहा था कि एक बार उनको दिख पाऊँ, लेकिन वो उनकी हेल्थ जो है अब मनोज जी की ऐसी रही नहीं कि वो देखें, लेकिन ये बिल्कुल ही अनोखा और अनूठा है। आप लोगों ने देखा होगा देवानंद की लड़कों को करते हुए, धर्मेंद्र जी की लड़कों को करते हुए, लेकिन कभी किसी लेडी को मनोज कुमार या धर्मेंद्र या इनका करते हुए हमने कभी नहीं देखा था। तो ये बहुत ही, मैंने कहा ना अभी जैसा कि ये बहुत ही अनूठा है, अनूठा है और अनोखा है। कुछ अपील करना चाहेंगे जो लोग इतना प्यार आशीर्वाद देते हैं और भी कंटिन्यू देता रहे ताकि कलाकारों को। देखिए उसके लिए मेरी अपील की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काम ही इतना अच्छा करती हैं कि लोग अपने आप ही खींचे चले आते हैं। तो उसकी मुझे नहीं लगता कि मेरे कुछ कहने से होगा, लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग प्यार कर रहे हैं, लोग आ ही रहे हैं आगे देखने के लिए। तो बस मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ ऑल द वेरी बेस्ट। मैं सबसे पहले तो सबका धन्यवाद कहूँगी, और मेरे सबसे ऑडियंस को धन्यवाद दूंगी मैं, और जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स से जो आज सब लोग यहाँ आए मुझे ब्लेसिंग देने के लिए, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया बोलूँगी। जैसे हमारे इमरान जी आए हैं, वो उन्होंने आके मुझे ऑनर, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई, अपना कीमती समय निकाल के वो आए। और निकिता जी आप भी समय निकाल के आए, आसमा जी और अखिलेश जी, उनकी पूरी टीम, और सबसे बड़ी बात जितने आर्टिस्टों ने मेरे साथ काम किया है उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगी मैं। और ख़ास तौर से जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो इतना उन्होंने मुझे लाइक सब्सक्राइब जो किया है, और आप लोगों का प्यार ही है जो मैं आज यहाँ बैठी हूँ, और आज हम लोग छोटा मोटा, मतलब छोटा तो नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है आज की पार्टी, यू नो, एक खुशी अंदर से, एक सक्सेस जो मैं बहुत पहले चाहती थी ये सब होना, लेकिन वो तब नहीं हुआ, अब हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त है। तो बहुत खुशी है मुझे, और मेरे सब मेरे वेल विशर्स, मुझे प्यार करने वाले आज मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच। ज़रूर ज़रूर, जब मैंने शुरुआत की थी 93 में मैंने शुरुआत की थी एज अ एक्टर, मैंने काफ़ी पिक्चरों में काम किया, मैं वही हूँ जीजा साली और दिल वाले कभी ना हारे, उसमें भी मेरा एक छोटा सा रोल था गेस्ट अपीयरेंस में। तो तभी मैं चाहती थी कि मैं नाम कमाऊँ, मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन उस टाइम पे इंडस्ट्री में आगे बढ़ना मतलब बहुत सारे इश्यूज थे, तो शायद उस कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाई। और ये नसीब होता है, जब जब जो होना है तब होना है, और कलाकार के लिए एज कोई चीज़ नहीं होती, कला की कोई उम्र नहीं है, कला की कोई सीमा नहीं है, कला की कोई हद नहीं है। आप जब
खड़े हो जाओ और पब्लिक आपको प्यार करे। आप वो 60 साल के हो, 80 के हो, 100 के हो या 50 के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ख्वाहिश तो यही थी कि जब मैं कुछ बनूं, लेकिन कोई बात नहीं, आज जो मुझे लोगों का प्यार और उनका सम्मान और मेरे जो कमेंट्स में उनके पढ़ती हूँ सबके, मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा इतना खुश होता है कि मैं बता नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। तो बस बहुत ज़्यादा खुशी है और मेरी खुशी का कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ तो रो भी लेती हूँ कि ये पहले होना था अब हुआ। जी हाँ जी हाँ, उनका प्यार ही है कि आज वो लोग मुझे नहीं देखते, मेरे व्यूवर्स, और उन्होंने मुझे प्यार नहीं दिया। उनके एक एक कमेंट्स मैं खुद रात रात भर बैठ के पढ़ती हूँ और उसमें ऐसे ऐसे लिखते हैं कि आपको देख के हमें इंस्पिरेशन मिलती है, आपको देख के हमारा मेडिटेशन होता है, हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। काफ़ी लेडीज़ ये बोलती है, अरे आपको देखे हमारे में भी जज्बा आ जाता है, हम भी आजकल टिकटॉक बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, आपको देखे मज़ा ही आ गया। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे बहुत खुशी होती है और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, आपका प्यार ही होगा शायद कहीं मैं और आगे चली जाऊँ, तो हमेशा मेरे साथ बने रहिए। माधुरी जी के, नेहा दूपिया, श्रेयस तर पड़े, तो मैं बोले वैसे ही आना है भाई हमारे इधर भी, क्योंकि मेरे लिए ये वही कैटेगरी का काम है आज, तो इसलिए आज वो इतनी दूर को बन गया। अचानक इसको कोई ओकेशन, वहाँ कैमरामैन नहीं, मेरे साथ शाहिदा नहीं,
मैंने इसको बोला चलो मेकअप करो, क्यों मैंने करो ड्रेस करो, हम लोग थोड़ा वीडियो वीडियो बना लें। तो इनको मैंने तैयार कर दिया और आउटर ब्रिज के नीचे खड़ा कर दिया फुल पब्लिक में, और वहाँ पर मतलब ठेले लेके लोग आ रहे जा रहे, और गाना भी बोलता था ये हाँ प्यार करने वाले हर प्यारी, और वो देवानंद साहब का गाना, और सब मतलब कैमरे के और पब्लिक दिखाई देते थे पीछे हम भी दिखाई, और ये एकदम डांट खाई है। लेकिन अब जाके थोड़ा खुली है, लेकिन मैं सच में बहुत डांट खाती हूँ। और शाहिदा ऐसी है, कभी कभी मैं शाहिदा को बोलती अरे ऐसे नहीं ऐसे नहीं कर जर्नी तो आसान नहीं है, ज़िंदगी भी आसान नहीं है, लेकिन जर्नी भी आसान नहीं रही, बहुत उतार चढ़ाव देखे, काफ़ी मेहनत किया मैंने। 185 वीडियोस डालने के बाद मुझे ये मकाम मिला है, और बहुत मेहनत की है, और मेरे साथ साथ सभी ने मेहनत की है। लेकिन मैं चाहती थी ऐसा कि पता नहीं 100 के कब होंगे, हम लोग बात करते थे शायद अरे 10,000 होने वाले अपने हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, हम लोग पार्टी करेंगे, वो बोलते बोलते 50 हो गया 60 हो गया, लेकिन ये एक डेढ़ महीने में पता नहीं ऐसा क्या करिश्मा हुआ, सबकी ब्लेसिंग है बड़े बड़े लोगों की मेरे साथ, तो शायद वो 90,000 मैंने ये एक डेढ़ महीने में ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। एक्चुअली ऊपर वाले ने इनको बर्थडे गिफ्ट दिया, हाँ जी का 2 दिन पहले ही बर्थडे था, और उसी वक्त उनके 100 के फैमिली भी कंप्लीट हो गए, हमने बोला कि सेलिब्रेट करते हैं, इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। हाँ एक कोई जगदीश जी बोल के हैं, वो काफ़ी मुझे मैसेज करते हैं बहुत, ये कहते हैं आज तो आपका वीडियो देख के मज़ा आ गया, और आप फला वो गाना करिए, आप राजेश खन्ना का गाना करिए, और एक ऐसे व्यूवर से उनका नाम नहीं मान में वो मुझे बहुत डांटते हैं, वो मुझे ये बोलते हैं तुम सुनती नहीं, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ दिलीप कुमार जी का गाना करो, तुम कभी राजेश खन्ना कर रही हो कभी ये कर रही हो, मैं यार दिलीप कुमार जी कहाँ हैं। तो मैंने उनको बोला भाई थोड़ा मुझे उनको अंदर लाने दीजिए, फिर मैं करूँ एकदम से कर लूँगी, और ज़रा भी मैच नहीं होगा तो अच्छा। वो हर वक्त मुझे डांटते हैं, तो प्लीज़ मुझे डांटा मत करिए, मैं कोशिश कर रही हूँ और ज़रूर बहुत जल्द करूँगी।